हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये अनिल भाई देखो, वीडियो शूट होने से पहले अपने आप को संवार रहे हैं, ठीक है ना, एक लड़की की हाँ, तरह। संवारने में तो बहुत मेकअप कर रहा हूँ। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि आपने कमेंट किया था कि केपीसी को साइड में खिसकाने के लिए बताओ, ठीक है ना, कैसे आसान तरीका है खिसकाने का। दोस्तों एक दो ही तरीके होते हैं खिसकाने के, ठीक है ना, वो बता देता हूँ। सारे ऑपरेटरों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए और आपने बोला है ऐसा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये इस मशीन का नाम है बैकहो लोडर। जैसे कि आपको पता ही है, जेसीबी कंपनी की मशीन है, 3DX एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इजी शिफ्ट हमारी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो रूम पे खड़ी है। हटिए जरा अनिल भाई, इसको बोलते हैं केपीसी, यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना। इस हिस्से का मुझे पता नहीं, इसको बूम बोलते हैं, और ये जो दूसरा जॉइंट है इसको डिपर बोलते हैं, और इसको बकेट बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके केपीसी की फुल फॉर्म होती है किंग पोस्ट कैरिज, ठीक है ना, और इसका मुझे नाम नहीं पता दोस्तों, बता देना आप कमेंट में, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो बताओ अनिल भाई, इसको खिसकाने का तरीका। पर आप ये बताओ, नीचे से बताओ कि बॉकेट को उधर फंसा के खींचने में आसानी होती है, या फिर इधर को धक्का धक्के मारने धक्का मार के आसानी होती है, खींचने में आसानी होती खींचने में आसानी कैसे होती है, ये भी बताओ। है। इसको बराबर रखा जा सकता है, धक्का मारने में इसको बराबर नहीं रखा जा सकता। जे एक साइड से भी ज्यादा दब गया ना हाँ, तो फिर तो चिपक जाएगा ये हाँ फिर। अड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोलिक पाइप है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा, एक बटन होता है मशीन में, आपको दिखाऊंगा, उसके द्वारा यहाँ से ये लॉक हो जाता है, ठीक है ना, इधर उधर खिसकता नहीं है, ठीक है। तो जब उस बटन को ऑन कर देते हो, यहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीज हो जाता ये है। जब यहाँ से प्रेशर जाता है ना तो ये बाहर के लिए आते हैं। हाँ, तो ये रिलीज हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। रिलीज होने के बाद में फिर ये अपने आप इधर उधर लूज हो जाता है, इधर उधर खिसका सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये उस पीरियड में खिसकाया जाता है जैसे हमें नाली की खुदाई करनी है, सीधी सीधी खुदाई करनी है, मशीन आपकी उस साइड लग नहीं सकती, ठीक है ना। जैसे आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ, जैसे आपकी मशीन इस जगह पे चल रही है, ठीक है ना, इधर आपकी मशीन हो नहीं सकती, गहराई है, और आपको नाली की खुदाई करनी है सीधी सीधी, ठीक है ना। खुदाई ऐसे भी कर सकती है मशीन, लेकिन ऐसे टेढ़ी खुदाई होगी, सफाई नहीं आएगी। तो आप इसको केपीसी को इधर खिसका के सीधी सीधी लाइन में ऐसे खुदाई कर सकते हैं, ये होता है इसका मकसद, ये होता है अनिल भाई। हाँ, या लोडिंग करते हुए सक्सेस है केपीसी साइड में करके, जैसे अगर गाड़ी दूर हो। सक्सेस है, पर वो देखने जरूरी है ना किस साइड में लोडिंग करनी है। हाँ, मतलब वो तो उस साइड में खिसकाएंगे। जैसे कि इधर मिट्टी ज्यादा है तो हाँ इधर को खिसका के इधर मशीन आराम से, मतलब हाँ गाड़ी से, मशीन से चिपका के गाड़ी लगा सकते हैं। हाँ हाँ अगर जैसे गाड़ी दूर खड़ी है उसके लिए भी कर सकते हैं ये। हाँ ठीक है, पर लोडर वगैरह ये स्टेबलाइजर वगैरह सही से जमाने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन उठ भी सकती है ना। हाँ चलिए दोस्तों, आपको एक बार खिसका के दिखाते हैं, और एक बार आपको मैं बटन भी दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये देखो, इसमें जो बटन होता है ये वाला, ये केपीसी का बटन है। तो ये बटन दबाते ही स्टार्ट करके मशीन, आपको दिखाते हैं अभी कैसे रिलीज होता है प्रेशर। बटन दबाया, दबा दिया तो दबा दिया, हल्का हल्का इसमें गैप होने लगा, लूज हो जाएगा, अभी टाइट है ना, देखो लूज हो रहा है, लूज हो गया। पहले आपको लूज दिखा देता हूँ, देखो लूज हो गया है। एक थोड़ा दोस्तों हार्ड हुआ पड़ा, कभी खिसकाया नहीं है, देखो खिसक गया, ठीक है ना। दोस्तों ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे आपका पॉकेट यहाँ पे फंस जाए, ठीक है ना, तब आप उधर को इसको खींचो आराम से, ठीक है ना, खिंच जाएगा। अगर आप पॉकेट ऐसे थोड़ा खट्टा खोद के फंसाना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी सरका सकते हो, आराम से सरकाना, क्योंकि ये देखो ये खिसक गई दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे एक पॉकेट फंसा के खिसकाओगे तो आराम से खिसक जाएगी, है ना अनिल भाई, स्लो रेस करना। मैं कहा इस तरीके से अगर पॉकेट, खट्टा मार दोगे ना तो खींचने में आसानी रहेगी। अच्छा, और इसे अगर पीछे करना है फिर इधर खड्डा मारो, यहीं से ऐसे भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हैं। अच्छा करके दिखाओ एक बार, देखो तो इस चीजों को ना बराबर रखना पड़ता है, इधर उधर हो जाती है तो फिर फंसती है। ये देखो बस बस इस तरीके से दोस्तों। अच्छा हाँ, मतलब वो उधर से कंटिन्यू सारे लीवर बराबर नहीं चल पाते, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जब होता है ना तो ये अटकती है, ठीक है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम करती है। अगर इस तरफ से आप खींचोगे ऐसे, ये है ना, हाँ इधर की साइड में मतलब लोडिंग नहीं कर सकते हो, हाँ इधर की साइड में
इस साइड में कर सकते हैं, यानी कि इस साइड में कर सकते हैं, इस साइड में नहीं कर सकते ना, क्योंकि ज्यादा केपीसी इधर हो गई ना। हाँ थोड़ा हल्का सा इधर करके तो कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वेट ज्यादा इस साइड आ गया ना मशीन का। तो यही दोस्तों आपको बताना था कि आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसे फंसा के खींचोगे तो आराम से खिंच जाती है। देखो देखो पूरा खिसकाओ आराम से खिसक रही है, देखो ठीक है ना। पर ऐसे धक्का मारने से हल्का दिक्कत करती है, खिसक जाती है दोस्तों। दोनों ही तरीके सही है, ठीक है ना, दोनों ही तरीके से आप खिसका सकते हो, पर ऐसे हल्की फंसती है, मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप खिसका सकते हो। देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे होती है, अभी थोड़ा रंग भी नहीं छुटाना, अभी शायद फर्स्ट टाइम इसकी केपीसी खिसकाई है या एक आध बार और खिसका ली होगी, ठीक है। नील भाई एक बार एक्सीलेटर स्लो करो। अनिल भाई इसके बारे में कोई और तो नहीं कहने आपकी बात, बस इतनी सी बात थी ना, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने बता दिया इसका नाम किंग पोस्ट कैरिज होता है। तो दोस्तों जैसे आप केपीसी खिसकाने के लिए, इसको स्लाइड करने के लिए आप हाइड्रोलिक प्रेशर को रिलीज करेंगे बटन को ऑन करके, वैसे ही खिसकाने के बाद, इसको स्लाइड करने के बाद अगर आपको इसको लॉक करना है, वहीं पर रोकना है, तो फिर उस बटन को ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये केपीसी वहीं रुकी रहेगी। ये बात बताने का मेरे को ध्यान भूल गया था, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात थी और तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों केपीसी के बारे में इतनी सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दी, इसके अलावा तो कोई और बात है नहीं। और इसकी ग्रीस के निपल्स के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना, कितना ग्रीस मारना चाहिए और कहाँ कहाँ ग्रीस ज़्यादा लगता है, कहाँ कम लगता है, ठीक है ना, और कब मारना चाहिए, वो वीडियो नेक्स्ट में आएगी, ठीक है ना। यहीं पे शूट करूंगा, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। इंस्टाग्राम लिंक है, फॉलो करो। ओके ब्रो, बाय।